हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी लास्ट वीक यूके में था। सो टुडे मॉर्निंग आई अराइव, तो आते ही खुशखबरी मिली कि एक पीआईए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है निकिता का। तो मैंने सोचा कि निकिता को बुला के ये स्टोरी को जो शेयर किया जाए आपसे। निकिता करनाल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। अप्रैल में फाइल सबमिट हुई थी बैचलर ऑफ बिजनेस की, और निकिता ने प्लस टू 2021 में हरियाणा स्टेट बोर्ड से की हुई है कॉमर्स में, और जो पीटीई का स्कोर था 60 था। उसके बाद इनकी फाइल लगी थी, जो सबमिशन हुई थी फाइल की वो अप्रैल में हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछते हैं कि अप्रैल की फाइलों के डिसीजन कब आएंगे। भाई, ये डिसीजन आ गया है। निकिता, बहुत बहुत मुबारक है आपको आपके वीजे की। और निकिता, आप बताइए कि आप हमारे पास कैसे पहुंचे और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? जी सर, मैं अपने वैसे तो रिलेटिव्स की यहाँ वहाँ से आती है, कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, तो पता लग गया था कि चंडीगढ़ में आपके पास ये यहाँ से फाइल्स वगैरह लगाते हैं। तो मैंने अपने ताऊजी से कहा कि मेरी फाइल वहीं से लगवाई जाए, तो उन्होंने यहाँ से मेरी फाइल लगवा दी थी। तो एक बीच में बना हुआ था ना डर कि हरियाणा के स्टूडेंट्स के वीजे नहीं आ रहे हरियाणा बोर्ड के, तो तुम्हें भी डर लगता था? हाँ जी सर। और तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी हमने बुलाया था प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी सर, बुलाया था। तो पर ये अच्छा हुआ कि इंटरव्यू के बिना ही वीजा आ गया है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अब कब जाना है फिर? निकिता, आपके क्लासेस मेरे ख्याल अक्टूबर में शुरू हो रही है। हाँ जी सर, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से। और जाना कब है आपने? अभी 30 को। अच्छा, 30 सितंबर को चले जाओगे, ठीक है। तो निकिता हरियाणा से है, हरियाणा बोर्ड से पास है, और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है बैचलर्स के लिए, और पीटीई के बेस पे वीज़ा है। तो वो सारी कंडीशंस जिसके ऊपर लोगों को डर लगता है, हरियाणा बोर्ड, हरियाणा का रेजिडेंट बच्चा पीटीई के ऊपर और पीआईए में बैचलर के लिए, आपके सामने ये सक्सेस स्टोरी है। तो बहुत सारे और भी वीज़ाज पीआईए के आए हैं, जिसमें से जम्मू स्टेट बोर्ड के 2 लड़कों के आए थे। तो अगर आप भी इस कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो देखो बहुत सारे लोगों ने फाइलें लगाई हुई हैं बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू पीआईए में, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सक्सेस रेट डिफाइन होता है आपके एजेंट की क्या रेपुटेशन है। बीइंग एन एवी मेंबर, हमें हमेशा ये एज रहता है। दूसरा, हमारा फाइल लगाने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, वो बहुत ही यूनिक होती है। आपने देखी है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज? आप बिलीव करते हो मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी, सारी चीजें बोल रहा हूँ, सही है ना ये? हाँ जी सर, बिल्कुल है ना। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आप स्टूडेंट प्लस टू पास की है अभी रिसेंटली या 2021 में, या ग्रेजुएट हुए हो, वहाँ पे मास्टर्स के भी प्रोग्राम है, बैचलर के भी प्रोग्राम है, सिडनी में कैंपस है, और जो फीस है बहुत रीजनेबल है, तो आप देर ना करिए, हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। और आपके पास, आपको फंड्स भी उतने नहीं दिखाने पड़ेंगे जितने बाकी जगह दिखाने पड़ते हैं, और बहुत ही आराम से आपका जीपी भी क्लियर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अब आपकी फाइल जो है वो एम्बेसी में सबमिट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी पीआईए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और हमारी तरफ से निकिता को, निकिता की पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा करे इनकी जो जर्नी है जो आगे वो बहुत अच्छी हो। इसी को कह के हम वीडियो को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।